ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए बकरों का बाजार लग गया है। बेनिया में लगी अस्थाई मंडी में फिलहाल राजस्थान का सुल्तान नामक बकरा शान बना हुआ है। इसकी कीमत 1,10,000 रुपए है। इसका वजन 35 किलो है। दो दिन से इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। वैसे गर्मी का असर मंडियों पर दिख रहा है। बाजार शाम को ही लग पा रहा है। बकरीद 17 जून को मनाई जाएगी। बेनिया, ककरमत्ता, बड़ी बाजार, लोहता, पीली कोठी, जैतपुरा, सरैया, रेवड़ी तालाब, अर्दली बाजार, लल्लापुरा आदि इलाकों में मंडी लगी है। अनुमान के अनुसार इन मंडियों में 50,000 से अधिक बकरे बिकने पहुंचे हैं। राजस्थान के मोहम्मद हनीफ बेनिया स्थित बकरा मंडी में राजस्थानी नस्ल का बकरा लेकर पहुंचे हैं। इसकी कीमत 1,10,000 रुपये है। वहीं गोरखपुरी नस्ल के बकरों की कीमत 1,80,000 रुपये जोड़ा है। तोतापरी नस्ल के बकरों की जोड़ी बाजार की शान बढ़ा रही है। इनकी कीमत 50,000 से 95,000 रुपये तक है। मंडी में अजमेरी, अलवर, बतीसी और बरबरी नस्ल के बकरे भी हैं। 65,000 के पाकिस्तानी नस्ल बीतल और गुलाबी नस्ल का बकरा 42,000 में है। बेनिया बकरा मंडी के संचालक मोहम्मद इमरान उर्फ सोनू भी मानते हैं कि इस बार बकरे की कीमत ज्यादा है। सीवर सफाई की मांग शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर ने जिला प्रशासन से सीवर की सफाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मुस्लिम इलाके में सफाई कराए, वहीं बड़ी ईदगाहों में सुरक्षा और बिजली की व्यवस्था की जाए। लोहता, बजरडीहा और लल्लापुरा में विशेष ध्यान की जरूरत है। चूँकि इस समय गर्मी का मौसम है, धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो इसलिए सादा शेड, टीन शेड वगैरह प्लास्टिक से पूरा शेड दे रहे हैं। पूरा त्रिपाल का काम करके दे रहे हैं कि जानवर को और जानवर जो बेचने आए व्यापारी उनको धूप ना लगे। पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, चौकी पे बैठने की और सोने की व्यवस्था है, लाइट और बिजली की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, तो सारी ऐसी भी जो व्यवस्था है जो जरूरत जिसकी होती है लोगों को, वो सारी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं।